حاجة في أن يدع طعامه وشرابه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم <applause> आज के सबक़ में हम इनशा रमज़ान के मसाइल वो बयान करें और रमज़ान रमज़ान के मसाइल को बयान करने से पहले रोज़ा जो है उसकी लघवी और असलाही तारीफ वो बयान करें तो अल्लाह अल्लाहबमीन ने कुरान पाक में रोजे के लिए जो लफ्स बोला है वो है सोम या स्याम स्याम का लफ्सर बकरा में आया है अदीस के अंदर सोम और स्याम दोनों आए अल्लाह ताला ने या आ मनु ए लोगो जो ईमान लाए हो अली आलकम स्याम लिख दिए गए तुम पर रोजे फर्ज कर दिया गया तुम पर रोजा जैसे कि फर्ज किया गया था तुमसे पहले लोगों पर रोजा लकुम तक ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ पुराने पाक की ये जो आयत है इस आयत में कई एक बातें आ गई सरे दस्त उनमें से एक है कि अल्लाह ताला ने सोम या सियाम फर्ज किया है तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि सोम या सियाम का लुख भी और असलाही माना क्या है इसकी तारीफ क्या है तो जो सोम लफ्ज है या सियाम लफ्ज है इसका इसके तीन मानी है नंबर एक है इसका माना रुक जाना दूसरा इसका मानना है खामोश रहना तीसरा लफ्ज सोम का मानना है सब्र करना रुकना खामोश रहना या सब्र करना तो ये इसका लोगो ही माना है तो सोम या सियाम। अब इसका तर्जुमा अगर हम करें आयत का दोबारा से तो तर्जुमा आयत का यू बनेगा ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम पर सियाम फर्ज किया गया तो श्याम की जगह लगा दे उसका माना कि ऐ ईमान वालों तुम पर रुकना फर्ज किया गया जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर रुकना फर्ज किया गया था लाल लकुम ला ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ तो इसका मतलब रुकना फर्ज अच्छा अब इसकी हम इसलाही तारीफ कर लें, फिर उसके बाद आयत को एक दो फिर समझेंगे ताकि बात समझ आ जाए तो असलाही तारीफ सोम या श्याम की यह है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक तीन चीजों से रुकना है खाने से पीने से और बीवी के साथ हकूक जोजियत अदा करने से हम बिस्तरी करने से जिमा करने से रुकना तो इसको सयाम कहते हैं अब इसमें लफ्ज इबादत भी शामिल कर लीजिए सुबह सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इबादत की नियत से खाने पीने और और जिमा करने से रुक जाना ये रोजा कहलाता है तो अब इसकी लघवी तारीफ देखें और तारीफ देखें दोनों में जो कॉमन चीज है वो क्या है वो है रुकना तो इसका मतलब रोजा हमें सियाम हमें रुकना सिखाता है अच्छा अब कुरान पाक की जो आयत है जो रोजे की फर्जियत के बारे में उसको एक दफा फिर समझे उसका तर्जुमा फिर करें या यूह लजीना आ बनू ए लोगो जो ईमान लाए ए लोगो जो ईमान लाए हो कुम लिख दिया गया फर्ज कर दिया गया तुम पर रुकना जैसे कि फर्ज किया गया था तुमसे पहले लोगों पर रुकना ताकि तुम मुतकी बन जाओ अब रोजे का मकसद क्या है वो अल्लाह ताला ने खुद बयान फरमाया है और वो क्या है ला तो बन जाओ। तो अब जो शख्स रमजान के रोजे रख कर मुतकी बन गया तो उसके लिए बशारत है उसके लिए खुशखबरी है उसके लिए रहमत है बरकत है बख्शिश है जन्नत है अल्लाह ताला की रिज़ा है खुशनूदी है और बहुत कुछ है उसके लिए लेकिन जो शख्स रमजान के रोजे रखे लेकिन रोजे रखने के बावजूद वो मुत्तकी ना बन सका तो इसका मतलब उसके लिए ना रहमत है ना बरकत है ना बख्शिश है उसके लिए कुछ नहीं चूंकि उसने वो टारगेट वो हदफ पूरा नहीं किया अचीव नहीं किया जो कि अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाया तो अब मुत्तकी आदमी कैसे बनेगा सवाल ही पैदा होता है मुत्तकी कैसे बनेगा तो मुत्तकी बनेगा रुकने से अब रुकना कहां पर है तो अब इससे ये बात खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि हम हैं रुकने वाले जो भी बंदा रोजा रखेगा जो मुसलमान है वो रोजा रखेगा वो कौन है वो है रुकने वाला इसका मतलब हम तो हुए रुकने वाले फिर कोई रोकने वाला भी है तो वो रोकने वाला कौन है रोकने वाला अल्लाह रबुल अच्छा अब वो रोकने वाला हम रुकने वाले वो रोकने के लिए तैयार हम रुकने के लिए तैयार और फिर तीसरा सवाल पैदा होगा कि अब हमने कहाँ रुकना है तो अब ये सारी की सारी तफसीलात कहा है ये कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है कि हमने कहाँ कहां, -कहां रुकना है और किस किस मामले में रुकना है तो अब कुरान हदीस में हमें तफसीलात दी गई है मसलन खाने के मामला में हम क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते क्या पी सकते हैं क्या नहीं पी सकते क्या पहन सकते हैं क्या नहीं पहन सकते क्या देख सकते हैं क्या नहीं देख सकते क्या सुन सकते हैं क्या नहीं सुन सकते कारोबार कैसे कर सकते हैं कारोबार कैसे नहीं कर सकते दौलत कैसे कमा सकते हैं कैसे नहीं कमा सकते इबादत कैसे करेंगे और कैसे ना करेंगे तो ये सारी की सारी तफसी कहाँ हैं ये पुरान हदीस के अंदर मौजूद वो सारे का सारा दीन है और जो बंदा अब अल्लाह ताला के हुक्मों पर रुकने का इरादा जाहिर कर दे कि अब मैं अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक चलूंगा जहां मेरा रब मुझे रोकेगा मैं रुक जाऊंगा जहां मेरा रब मुझे चलाएगा मैं चल पड़ूंगा जिस तरफ चलाएगा मैं उस तरफ चल पड़ूंगा मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ मैं इस बात का इकरार करता हूं कि आज के बाद मेरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजरेगी मेरी अपनी जीती मर्जी अपनी ख्वाहिश अपनी पसंद नहीं होगी मैं अपनी मर्जी नहीं चलाऊंगा अपनी मर्जी से जो जी चाहेगा नहीं देखूंगा नहीं सोचूंगा नहीं सुनूंगा नहीं बोलूंगा नहीं पहनूंगा नहीं खाऊंगा नहीं पीऊंगा न तजारत वैसे करूंगा ना माशरत ना मुआश ना मीशत ना इदालत मैं कुछ नहीं अपनी मर्जी नहीं अल्लाह की तो इसी जज्बे का नाम इसी इरादे का नाम इसी जो आ, अतात और फरमाबरदारी है जो रुकना और झुकना है इसी का नाम मुसलमान है। इसी को कहते हैं मुस्लिम तो इसका मतलब जो आदमी रुकना सीखेगा रुकना आ जाएगा उसे तो उसके अंदर तकवा पैदा हो जाएगा और जिसमें तकवा पैदा हो जाएगा उसके रोजे कबूल हो जाएंगे उसको अल्लाह की तरफ से रहमत बख्शिश बरकत जन्नत सब कुछ उसको मिलेगा ये माह मुकदस उसके लिए रहमतों और बरकतों का महीना साबित हो जाएगा और जिस आदमी को रुकना नहीं आएगा वो रमजान गुजारने के बावजूद रोजा रखने के बावजूद वो रुकना ना सीखा तो इसका मतलब उसके अंदर तकवा पैदा नहीं होगा तो जब उसके अंदर तकवा पैदा नहीं होगा तो फिर उसको रमजान से कुछ भी नहीं मिलेगा अभी सवाले से चंद एक हदीसें आप सुन लें पहले तो इस मसले को समझने के लिए जो नमाज के हवाले से दो हदीसें आपको बयान करूं, ताकि रोजे की सूरत हाल भी बिल्कुल वही है जो नमाज की तो नमाज के बारे में जब बात समझ आ जाएगी तो फिर रोजे के बारे में बात समझ आ जाएगी देखें रोजा या नमाज एक रोजा होता है कानूनी रोजा दूसरा रोजा होता है हकीकी रोज़ा कानूनी रोज़ा क्या है कानूनी रोज़ा ये है कोई बंदा सुबह जो है फजर की अजान से पहले उठता है और शहरी खाता है और जैसे ही अजान का वक्त होता है वो खाना पीना बंद कर देता है और फिर सारा दिन वो खाता पीता नहीं है और बीवी से हम बिस्तरी भी नहीं करता है और फिर वो गरूब आफ्ताब के वक्त वो अफ्तारी करता है तो इस ये बंदा कानूनी लिहाज से रोजेदार है लेकिन ये बंदा सुबह से खाना पीना तो छोड़ देता लेकिन ये ना अपनी नजर की हिफाजत करता है ना अपने कानों की हिफाजत करता है ना अपनी जुबान की हिफाजत करता है जो अब कुरान और अहदीस के अंदर वो सारे काम उनकी तफसीलात बताई गई हैं कि रोजेदार ये ना करे ये ना करे ये ना करे ये ना करे वो आगे बातें आई अच्छा अब ये बंदा वो सारे काम करता है जिनसे मना फरमाया रोजेदार ये ना करे तो इसका मतलब ये कानूनी लिहाज से तो रोजादार है लेकिन हकीकत में रोजादार नहीं अब इस बारे में हदीस सुनिए नमाज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लम तशीफ फरमाते एक से आबीद तशरीफ लाते हैं और वो मस्जिद नब्बी में तशरीफ लाते हैं रसूल की मौजूदगी में तशरीफ लाते हैं और वो दो रक्त नमाज अदा करते दो रक्त नमाज पढ़ने के बाद वो रसूल के पास आते और सलाम कहते हैं और आपना कलम तसल लौट जाओ वापस चले जाओ नमाज पढ़कर आओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी उसे आप ही फिर गया और फिर उसने दो रक्त नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद फिर आप सल्लाम के पास वो तशीफ लाया आप सल्ला ने फिर दूसरी दफ़ा फसल फा कलम कुसल लौट जाओ नमाज पढ़कर आओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी वो चला गया फिर उसने तीसरी दफ़ा दो रखते नमाज पढ़ी और फिर आकर बैठा सलाम कहा तो आप सल्ला फरमा इर्ज्यासल फा कलम कुसल चले जाओ नमाज पढ़कर आओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी अब उस सिबी रसूल ने तीन मरतबा तीन मरतबा उसने नमाज पढ़ी लेकिन तीनों मरतबा आप सल्ला क्या फरमाया तुमने नमाज नहीं पढ़ी जाओ नमाज पढ़कर आओ उसने फिर अपने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि यार रसोल्ला मुझे तो ऐसी ही नमाज पढ़नी आती मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ लिहाजा आप मुझे फिर सिखा दीजिए कैसे नमाज पढ़नी है ताकि मेरी नमाज नमाज बन जाए अच्छा अभी हदीस में जो हमारे लिए जो आज का हमारा सबक है उसके लिहाज से इसमें नुकता क्या है दलील क्या है समझने वाली बात क्या वो ये है कि वो जो शख्स है वो सिहाबी रसूल है पहली बात तो सहाबी रसूल है, आम आदमी नहीं दूसरी बात उन मस्जिद नबी नमाज अदा कर रहा है और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमाज पढ़ रहा है और वो बंदा जो है अपने लिहाज से नमाज के सारे वो अरकान अदा कर रहा है उसने वजू किया है किबिला की तरफ मुंह किया है उसकी जगह पाक बदन पाक कपड़े पाक फिर उसने अल्लाह अकबर कहा रुकू भी क्या भी किया रुकू भी किया सजदा भी किया तस्वीर भी पढ़ी और तशाव भी पढ़ा और सलाम भी तो इसका मतलब है इस शख्स की इस सारी हालत को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि उसने नमाज नहीं पढ़ी नमाज तो उसने पढ़ी है लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फरमा रहे है कि नमाज पढ़कर आओ तुमने नमाज नहीं पढ़ी इसका मतलब अब रसूल सल्लम जानते हैं ना कि नमाज क्या होती है नमाज कैसे अदा करनी है और कौन कौन से काम ना किए जाएंगे तो नमाज अदा करने के बावजूद भी अदा नहीं होगी पढ़ने वाला समझेगा मैंने नमाज पढ़ ली है लेकिन उसकी नमाज तो हो ही नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही अब इसको इसका इंत बात करें आप रोजे पर कि बहुत सारे लोग हैं वो रोजा रखेंगे और वो रोजा रखने का मतलब यही समझते हैं कि सुबह शहरी खा लो फिर कुछ ना खाओ पियो और शाम को इफ्तारी कर लो ये रोजा है नहीं ये रोजा नहीं है ये कानूनी लिहाज से रोजा हकीकी रोजा नहीं है अब हकीकी रोजा कब बनेगा जब वो इंसान अपने उस रोजे की तमाम पाबंदियों को सारे तकाजों को सारी शुरूत को पूरा करेगा और खाना पीना छोड़ने के साथ साथ बाकी जिन कामों को छोड़ने का हुक्म दिया जिनसे रुकने का हुक्म दिया है वह तफसीलात हदीस में आगे आएंगी उन तमाम से रुके आप फिर उसका रोजा बने दूसरी हदीस में आता है नबी सल्ला फरमाया कि एक शख्स नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उसको पूरा सवाब मिलता है सौ बटा सौ नंबर मिलता है एक बंदा नमाज पढ़ने आता है उसको आधा सवाब मिलता है एक बंदा नमाज पढ़ने के लिए आता है उसको कुछ भी नहीं मिलता अच्छा अब ये जो कुछ भी नहीं मिला जिसको बताइए क्या उसने अपना घर नहीं छोड़ा क्या उसने वजू नहीं किया क्या वो मस्जिद नहीं आया क्या वो इमाम के पीछे खड़ा नहीं हुआ क्या उसने अल्लाह अकबर कह के नमाज का आगाज नहीं किया क्या उसने रुकू सजदा नहीं नहीं पढ़ा सब पढ़ा सब लेकिन आपने फरमाया उसको कुछ मिलेगा अब कुछ क्यों नहीं मिलेगा इसलिए नहीं मिलेगा कि उसने वो नमाज की सारे तकाजे वो शरूत पूरी नहीं की वो जैसे नमाज पढ़नी चाहिए थी वैसे नमाज नहीं पढ़ी तीसरी हदीस में रसूल से शाह फरमाया कि नमाज का चोर बदतरीन चोर है नमाज का चोर बदतरीन चोर है ने पूछा जी नमाज में कोई शख्स कैसे चोरी कर सकता है तो फिर आप फरमाया, जो बंदा रुकू ठीक से नहीं करता जो सजदा ठीक से नहीं करता वो नमाज का चोर है अब इन दो अहदीस को सामने रख कर रोजे को समझने की कोशिश करें कि जो बंदा रोजा रख कर रोजा रखता है एक रोजा रखने वाला वो है जिसको पूरा सवाब मिलेगा एक रोजा रखने वाला वो जिसको आधा सवाब मिलेगा और कोई ऐसा भी बदनसीब हो सकता है कि वो भूख प्यास तो बर्दाश्त करे लेकिन उसको रोजे का सवाब ना मिले जैसा कि रसूल फर्मा कम मिनसा इमिन लई ही मिनसिया फरमा कितने रोजेदार हैं उनको रोजे से सिवाय प्यास के कुछ नहीं मिलता फरमा कम मिनसा इमिन लई सलहू मिन क्याम ही इल्ला सहर। कितने ही रात को क्याम करने वाले ऐसे लोग हैं कि उनको इबादत और क्या का तो स्वाब नहीं मिलता उनके नसीब में सिर्फ जागना आता है तो अभी हदीस क्या बता रही है कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अपने लिहाज से अपने कई तो समझेंगे कि हम रोजे से हैं लेकिन उन्होंने भूख और प्यास नसीब होगी बाकी उनको स्वाब अल्लाह की बख्शिश जन्नत रो बर वो कुछ नहीं मिलेगा तो अब सवाल यही पैदा होता है वो सिपी रसूल जो नमाज पढ़कर बार बार आ रहा था फिर आपने फरमाया लौट जाओ नमाज पढ़कर आओ नमाज नहीं पढ़ी तो उसने कहा चकल्ला के रसूल मुझे सिखा दीजिए कि मैं कैसे नमाज पढ़ू ताकि मेरी नमाज नमाज बन जाए ऐसे ही हम लोगों को हमारे अंदर ये बात पैदा हो कि हम रोजे को सीखें ताकि हमारा रोजा रोजा बन जाए ताकि हमारा रोज़ा रोजा बन जाए और रोजे की वो सारी बरकत वो सारी फजीलतें हमें वो सारा अजर षवाब वो हासिल हो जाए तो हम इस तरह रोजा रखें तो इसी मकसद के लिए ये जो असबात हैं शुरू किए गए हैं कि रमज़ान से पहले हम रमज़ान के मसाइल को सीख लें और फिर सीख करके हम रोजा रखेंगे तो इन हमारा रोजा सही मानों में वो रोजा बन जाएगा जो हमारे लिए बख्शिश का जरिया होगा रहमत का जरिया होगा जिस रोज़े से इन हमें अजर षवाब भी मिलेगा अल्लाह की रजा भी मिलेगी और फिर ये जो रोजा है बजात खुद ये रोज़ा क्यामत के दिन अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेगा क्योंकि हदीस में आता है ना कि क्यामत के दिन रोजा अल्लाह की बारगाह में आएगा असयाम बल कुर आनफ आन क्या सयाम रबी मना तो शहबात फनीफी ही रोजा अल्लाह की बारगाह में क्यामत के दिन आएगा और कुरान भी आएगा और दोनों सिफारिश करेंगे रोजा कहेगा ए मेरे रब मैंने इस बंदे को रोका था खाने और पीने से मैंने इसको शहबाद से रोका या अल्लाह इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा और अल्लाह ताला उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा मतलब अल्लाह ताला उस आदमी को बख्श देगा और वो बंदा अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए ऐसे कुरान आएगा और कहेगा ए मेरे रब मैंने इसको सोने से रोका था ये रात भर जागता था और मुझे पढ़ता रहता था तो मेरे जौक और शौक और मोहब्बत में जागता था तो ए मेरे रब इसके हक में मेरी शिफात कबूल फरमा अल्लाह ताला कुरान पाक की सिफारिश कबूल फरमा दे और इस आदमी को भी बख्श देंगे और इस जन्नत में चला जाएगा तो इसका मतलब मैं और आप और हम सब अपने रोजे को ऐसा मजबूत बनाए रोजे को ऐसा बनाए कि हमारा रोजा हमारे हक में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे और अल्लाह ताला हमें बख्श दे और हम अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो जाए अच्छा यहाँ अब एक दूसरा पहलू है जो खुद ब खुद जहन में आता है हदीस में तो उसकी वजाहत नहीं है लेकिन वो खुद ब खुद जहन में बात आती है कि जब रोज़ा किसी के हक में बोल सकता है उसके हक में सिफारिश कर सकता है तो फिर रोजा किसी के खिलाफ भी बोल सकेगा कि नहीं कि अल्लाह की वो बंदा है कि जिसने जिसने ना मेरे लिए झूठ को छोड़ा ना उसने फरेब को छोड़ा ना उसने बुराई को छोड़ा ना उसने मुनकर को छोड़ा ना उसने आंख के गुनाह को छोड़ा ना उसने जुबान के गुनाह को छोड़ा ना उसने कान के गुनाह को छोड़ा या अल्लाह ये रोजा रख करके क्या क्या कुछ देखते और सुनते रहे क्या क्या सोचते रहे इनके नफ्स के अंदर वही हिजान था वही शहाबत थी वही वो नफसानी जज्बात और मैलानात थे या अल्लाह ये सब कुछ कोई मुझे रख कर बाजार में बैठ कर वो झूठ बोलता रहा धोखा देता रहा मिलावट करता रहा फ्रेब देता रहा तो या अल्लाह ये इन्होंने तो मेरा एहतराम ही नहीं किया तो या अल्लाह इनसे पूछ सरा मेरे मेरी बेहरमत इन्होंने क्यों की मेरा एहतराम क्यों नहीं किया तो बताइए फिर हम क्या इसके लिए तैयार होंगे अल्लाह की बारगाह में रोजा हमारे खिलाफ एक चार्ज शीट अल्लाह के सामने बयान कर दे क्या हम इसके लिए तैयार होंगे यकीन नहीं तैयार होंगे और हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे तो इसलिए रोजे को वैसे रखा जाए जैसे रोजे का रखने का हक है रोजे के सारे तकाजों को पूरा किया जाए तो बहर रमज़ान की आमद आमद है और रमजान कई लिहाज से ये रहमतों का बरकतों का महीना है और खास तौर पर ये जो रमज़ान है इसके अंदर रोजे भी हैं और रमजान के अंदर फिर नजूल कुरान भी है तो ये कुरान का महीना भी है ये रोजों का महीना भी है सबर का महीना भी है ये हमदर्दी और गमगुसारी का महीना भी है तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें तो माह ये नजूर कुरान का महीना है अल्लाह खास रहमतों और बरकतों का महीना यह सब्र का महीना है यह फराखी रिस का महीना है एक दूसरे से खैर खाही का महीना है जन्नत में दाखिल होने और जहन्नम से आजादी हासिल करने का महीना है माह श्याम सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए जिक्र फिक्र तस्वी व तहलील तिलावत नवाफिल सदका वैरात गोया हर किस्म की इबादत का एक आलमी मौसम बहार जिससे दुनिया का हर मुसलमान अपने अपने ईमान और अपने तकवा के मुताबिक हिस्सा पाकर दिल को सुकून और आंखों को ठंडक मुहैया करता है इबादत के इस आलमी महीने का जिसे ठीक ठीक नज़ारा करना हो वो इस माह मुकदस की बाबरकत लहनो नहार में इज़्ज़ो शरफ वाले घर बैतुल्ला शरीफ में वो भले जाकर कर देख ले या लाइव देख ले आज कल तो ये जरा मवासिलत ने हमारे लिए फासलों को मिटा दिया है तो बहरहाल वो देखे जहाँ दिन के वक्त दिन के औकात में जिक्र फिक्र की महफिलें तलावतो कुरान की मजलिस अहकाम व के हलके तवाफ करने वालों का हजूम और रात के औकात में क्या के रूह अफजा और ईमान पर रोह मनाजिर किस तरह गुनहगार से गुनहगार इंसान के दिल में भी शौक इबादत पैदा कर देते हैं रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में दस से तीस रमजान तक उनतीस रमजान तक न्यास ने राह वफा की हरम शरीफ में हाजिरी की रौनकें दो चंद हो जाती हैं कीजिए कि मताफ के गिर्द तवाफ करने की जगह का मुख्तसर सा हिस्सा छोड़कर बाकी सारा साराफ मस्जिद अरीज बरामदे पहली मंजर और इसके ऊपर छह तमाम जगह खचा खच भरी हुई हैं कहीं भी तिल धरने को जगह नहीं है और फिर कोई बंदा अल्लाह के सामने वो आंसू बहा रहा है कोई रो रहा है कोई दुआएं कर रहा है कोई माफी मांग रहा है कोई शर्मिंदा है कोई बीमारों के लिए दुआ कर रहा है कोई अपने वाले के लिए दुआ कर रहा है तो बहरहाल ये सारे के सारे मनाजिर रमजान में ही देखने में आते हैं तो माह से आम बड़ी ही बरकतों वाला फजीलतों वाला महीना है खुशकिस्मत है वो बंदा जो इस माह मुकदस के तकाजों को समझे और फिर उनको पूरा करे और पूरा करके जब तीस दिन या उनतीस दिन वो गुजार देगा और फिर जब रमजान खत्म होगा तो यकम शवाल को फिर हम ईद मनाते हैं और ईद दरअसल खुशी का दिन है खुशी का त्योहार है अब ये खुशी उसी के लिए है जिस बंदे ने रमजान कमाया अब यहां पर मैं लफ्ज बोल रहा हूं रमजान कमाया ये नहीं कह रहा रमजान के रोजे रखे तो रमजान कमाने से क्या मुराद है रमज़ान कमाने से मुराद यही है कि उसने जैसे एक मजदूर जो होता है जैसे एक तिजार ताजर जो होता है वो क्या करता है वो रमजान खूब जो है ना एक महीना मेहनत करता है एक महीना मुशक्कत करता है कारोबार करता है अपने शबो रोज वो जो है ना अपने कारोबार को देता है वक्त से पहले उठता है अपनी दुकान पे आता है दुकान के लिए साजो सामान हो वो खरीदता है तो पूरा महीना वो डट के काम करता है फिर वो महीने के आखिर में हिसाब किताब लगाता है मैंने क्या कमाया तो फिर देखता है मैंने इतने पैसे कमाए ये महीना तो बहुत अच्छा रहा तो इसका तो उसने रमजान कमाया तो ऐसे ही एक बंदा है मोमिन वो रमजान कमाए तिलावतें करे जिक्र अस्कार करे सदका खैरा करे नवाफुल पढ़े तहजद पढ़े वो क्या करे और वो अल्लाह से माफिया मांगे अल्तजाएं करे तो ये सब कुछ करता है वो तो ये रमज़ान कमा रहा है तो फिर वो रमज़ान जब कमाएगा तो इन जैसा वो ताजर खुश होता है तो ये बंदा मोमिन भी खुश होगा और फिर अल्लाह ताला इसके लिए ईद के दिन खास तौर पर वो बख्शिश का ऐलान करेगा मफफरत का ऐलान करेगा अल्लाह इसको जहन्नम से आज़ाद कर देगा जन्नत का दाखला नसीब फरमा देगा इसको बहुत सारा जो स्वाब अल्लाह दे देगा तो चूंकि ईद का जो दिन है गोया के वो एक मजदूर की मजदूरी मिलने का दिन है इसलिए हम मैदान में जाते हैं जमा होते हैं नमाज पढ़ते हैं और तस्वीर पढ़ते हुए तकबीरात कहते हुए जाते हैं और फिर वहां पर भी खास तौर पर फिर जो है दुआ मांगी जाती है और उस दुआ की बड़ी अहमियत है रबी सल्लाम ने उसमें शामिल होने का बाकायदा हुक्म दिया वो औरतें जो नमाज नहीं पढ़नी होती जिन्होंने अपने मखसूस अयाम से गुजर रही होती हैं उनको भी हुक्म दिया वो भी जाए जिन खुत के पास बड़ा दुपट्टा ना हो कहा हमसाई से मांग कर दोपट्टा वो और चली जाए अगर ना हो तो फिर दो औरतें एक दुपट्टे में लिपट कर चली जाए और वो मुसलमानों की दुआ में शामिल हों जो खुतिन नमाज ना पढ़ सकती वो अलग एक तरफ होकर बैठे लेकिन वो दुआ में जरूर शामिल तो बहरहाल ये ईद का दिन इसीलिए ईद का दिन है खुशी का दिन है कि उस दिन अल्लाह ताला लोगों तुम फरमाता है बख्शिश करता है लोगों को जरूर सवाब से नवाजता है मजदूरों को मज़दूरियां अदा करता है तो बहरहाल बात का आगाज करते हैं आगे रोजे की कि रोजा फर्ज है इस बारा में रसूल सल्लाम स्ल्ला की हदीस है सही बुखारी मुस्लिम के अंदर फरमाया

नंबर दो नमाज कायम करना नंबर तीन सकात अदा करना नंबर चार हज करना और नंबर पांच रमजान के रोजे रखना तो ये जो हदीस है ये बताती है कि रोजे क्या है फर्ज है इस्लाम की जो पांच बुनियादें उनमें से एक बुनियाद एक रुकन वो रोज़ा है अब रोज़ा जो है उसकी फजीलत क्या है इंसान जो बुनियादी तौर पर ये हरीस है ये लालची है तो ये किसी काम को करने के लिए तैयार तो होता है लेकिन अगर उस काम की फजीलत इसको मालूम हो जाए कि इसकी क्या फजीलत है क्या इसका दर्जा है तो वो, वो काम इसके लिए करना जरा आसान हो जाता है तो अल्लाह ताला ने इसलिए और रसूल अल्लाम ने इसलिए बहुत सारे कामों की फजीलत बयान फरमा दी है ताकि करने वालों के अंदर ओक और शौक पैदा हो जाए तो अब रोजे की फजीलत क्या है तो रोजे की बहुत सारी फजीलतें जिनमें से कुछ इन अदीस के अंदर है। हजरत अबूर रजी अल्लाह फरमातेमजानत अबीफन अल हज़रत अब, अब रजी अल्लाह रिवायत रसूल फरमाया जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं एक हदीस में आता है फतेहत अबाब रहमत के रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और बड़े बड़े जो शयातीन हैं वो बंद कर दिए जाते हैं कैद में डाल दिए जाते हैं उन्हें जंजीरें पहना दी जाती हैं तो ये रमजान की फजीलत कि जैसे रमजान शुरू होता है तो उसके साथ ही आसमानों में ये तब्दीलियां आ जाती हैं जहन्नम के सारे दरवाजे बंद और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए गए और बड़े बड़े शयातीन को जकड़ दिया गया तो ये तब्दीली आती है अब देखो कितनी बड़ी तब्दीली है जो आ रही है तो क्या इंसान अपने नफ्स को भी जकड़ सकता है कि नहीं ये अपने अंदर के शैतान को जकड़ता है कि नहीं अगर वो बड़े बड़े शयातीन जो बाहर के हैं उनको तो जकड़ दिया गया लेकिन जो इंसान का ये नफ्स है ये सरकश जो नफ्स है जो इंसान के अपने अंदर ये जो शैतानियत है ये जो हैवानियत है ये जो शहवात हैं, ये जो शहवात के हैवानियत के जिनसीत के जिनसे मुखालत की तरफ मैलानात रुझाना के ये जो लश्कर हैं ये जो तलात मौजें हमारे अंदर उठती हैं क्या हमने उनको भी जकड़ा कि नहीं जकड़ा क्या मैंने अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल किया कि नहीं किया तो असल बात तो तब बनेगी ना जब हम अपने नफ्स को जरा जकड़ेंगे इसको काबू करेंगे इस इस नफ्स के मुंह जोर घोड़े को लगाम डाल के काबू करेंगे तो बात तो तब बनेगी तो बात तब बनेगी और अगर बाहर के शैतान बंद कर दिए जो और अंदर का ही शैतान खुला रहा तो क्या बात बनेगी कोई बात नहीं बनेगी तो लिहाजा जैसे अल्लाह आलमीन ने बड़े बड़े शयातीन को जकड़ दिया तो ऐसे ही हम भी अपने नफ्स को जरा अल्लाह ताला की अतात और फर्मा बरदारी की रस्सियों से जकड़ दें इसको भी हम बांध दें इसको भी सुधारने की कोशिश करें इसको भी लगाम डालें इसको भी उन वादियों में लेकर जाएं जिन वादियों में नेकी और खैर मिलती है भलाई मिलती है जहां अल्लाह ताला की रहमतें हैं और वहां पर ये हमारा नफ्स अल्लाह की रहमत और बख्शिश और बरकत की वादियों में ये चरे ये घूमे फिरे ये खाए और पिए और खूब सैर हो तो फिर बात बनेगी तो बहरहाल एक और हदीस में शाह जब रमज़ान आता है तो रमजान में नेकियों का सवाब और अजर बढ़ जाता है जैसा कि बयान की हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं काला रसूल इब्न अब्बास रजी अल्लाहमा फौर لنا माका نازحان فحج أبو ولدها وابنها على نازحين وترك لنا نازحا وننزه عليه قال فإذا جاء رمضان فأتمري فإن أمرة فيه تعدل حجة أو حجة معية حضرة أتا جوطابيه يقولون أني کہ من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے एक अनसार की औरत उम स्नान से फरमाया कि तुम हमारे साथ हज पर क्यों नहीं चलती औरत ने अर्ज किया हमारे पास सिर्फ दो ऊँट थे एक पर मेरा शोहर और बेटा दोनों हज के लिए गए हैं अब एक ऊंट घर में है जिस पर हम पानी वगैरह लाते हैं तो वसल्लम फरमाया अच्छा जब रमजान आए तो उम्रा कर लेना इसका सवाब भी हज के बराबर <coughs> या फरमाया बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे तूने मेरे साथ हज किया अब देखिए आम दिनों में जो उम्र किया जाएगा वो उम्र उमरा ही होगा लेकिन रमजान में जो उम्र किया जाएगा उस उम्र का सवाब हज के बराबर होगा और इस हदीस में एक हदीस के अल्फाज क्या है कि जैसे तुम्हें इतना ही सवाब मिलेगा अगर तू रमजान में उम्र करेगी जैसे तूने मेरे साथ हज किया तो देखिए उमरे का सवाब हज का सवाब तो ये रमज़ान का ही खासा है ये रमज़ान में ही हो सकता है क्योंकि रमज़ान में अल्लाह ताला की रहमत जोश पर है अल्लाह ताला तरह सवाब बढ़ा देता है तो इसलिए ये भी रमज़ान की फजीलत है तो इसलिए रमजान में हमें क्या चाहिए कि हम अल्लाह ताला की बहुत इबादत करें बड़ी बंदगी करें कमाल अतात करें और गुनाहों को नफरमानियों बगावतों और सरकशियों को छोड़ दें अपने नफ्स को सुधार लें इस नफ्स पर अल्लाह की अता और फर्मा बर्दारी की काठी डालकर इसको लगाम डाल डालने और अपने दिलों में हम हाँ, खूब तकवा पैदा कर लें अब रोजा जो है अगर कोई शख्स सही मानों में रख पाया तो रोजा क्यामत के दिन इंसान के लिए रोजा अपने रखने वाले के लिए वो सिफारशी बनकर अल्लाह की बारगाह में आएगा तो रिवायत है अल्ला रसूल सल अस्यामान्याम्याम

कुरान कहे गए मेरे रब मैंने इस बंदे को रात क्याम के लिए सोने से रोके रखा लिहाजा इसके बारे में मेरी सिफारिश कबूल फरमा चुनाचा दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी <coughs> अब सवाल ही पैदा होता है कि इंसान इतनी मुशक्कत से रोजा रख ले खाना पीना छोड़ दे भूख प्यास बर्दाश्त करे तो अब इसको कितना सवाब मिलेगा तो रसूल शाह फरमायादम يزاعف الحسنة بأشر أمثالها إلى سبع مئة زيف قال الله تعالى قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهبته وطعامه وفي رواية زوجته من أجلي للسائم فرحتان فرحة عند فتره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك जरत अबू हर रजी अल्लाह कहते हैं फरमाया आदमी के हर अमल का सवाब दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक नीयत और खलूस के मुताबिक बढ़ा कर दिया जाता है लेकिन रोजे के स्वाब के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा रोजादार अपनी सारी ख्वाहिशा और खाना पीना और एक रिवायत के मुताबिक अपनी बीवी सिर्फ मेरी खातिर छोड़ता है रोज़ादार को दो खुशियां हासिल होती हैं एक खुशी रोजा इफ्तार करते वक्त दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त मजीद आप सल्ला फरमाए रोजादार के मुंह की बू अल्लाह को कस्तूरी की खुशबू से भी ज्यादा पसंद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल लिहाजा जब किसी का रोजा हो तो फहश गोई और बेहुदा बातें ना करे अगर कोई इसे बुरा भला कहे या लड़ने की कोशिश करे तो उसे कह दे कि मैं रोजादार हूं अब ये हदीस तवील हदीस है इसमें बहुत सारी बातें हैं बहुत सारी इसके अंदर रोजे की बातें हैं मार्फत की बातें हैं अल्लाह ताला की रहमत की बातें हैं तो एक दफा और गौर करें फरमाया अल्लाह जब कोई शख्स एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसका स्वाब कितना देता है एक नहीं देता बल्कि कम अज कम दस गुना देता है फिर दस गुना से अल्लाह बढ़ाता है यानी अब वही बात जहन में रखिए वह नमाजों वाली बात जहन में रखी रोजे वाली बात जहन में रखिए कि एक बंदा नमाज ही पढ़ता है रोजा ही रखता है कोई भी नकी करता है तो उसके दिल में अगर ईमान कम है ईकान कम है इखलास कम है शौक और मोहब्बत कम है उसका ध्यान ही नहीं है बस उसने नेकी कर दी है इत, कोई रगबत नहीं थी तो इस आदमी को एक नेकी के सवाब में अल्लाह ताला दस नकिया ने दे दे दें चलो अभी इसको दस दे दो लेकिन एक आदमी उसके अंदर जौक ज्यादा है शौक ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है अल्लाह के लिए तड़प है लगाव है इखलास है यकीन है बहुत ध्यान के साथ वो अल्लाह की तरफ मुतवजे होकर सारे काम काज को छोड़कर पूरे जौक और शौक के साथ खुशु और खुजू के साथ वो नेकी करता है नमाज ही पढ़ता है रोजा ही रखता है तो अल्लाह ताला अब इसका जो स्वभाव बढ़ा देंगे और कितना बढ़ाएंगे हो सकता है अल्लाह ताला इसको 200 गुना दे दे 300 गुना दे 400 गुना दे हत्या के 700 गुना दे यानी एक नकी के बदले में सात सौ नकिया अल्लाह इसको दे इसने एक नेकी की मिलना इसको एक नेकी का सवाब ही चाहिए था लेकिन अल्लाह इसको सात सौ गुना देता है और बाज लोगों के लिए तो अल्लाह सात सौ गुना से भी बढ़ा देते तो अब ये देखिए अल्लाह तला की तरफ से कितनी रहमत है कितनी बख्शिश और बरकत है कि इंसान को अल्लाह एक के बदला में जो है सात सौ दे सात सौ से भी ज्यादा और कमाल की बात क्या है जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह एक करता है तो एक ही लिखा जाता है लेकिन अब कितना बदनसीब है वो इंसान कि जिसका एक गुनाह एक लिखा जाए और उसकी एक नेकी सात सौ नकियां लिखी जाए लेकिन जब क्यामत के दिन हिसाब किताब हो फिर भी उसकी नेकियां कम और उसके गुनाह ज्यादा निकले तो ये तो बड़ा ही कोई महरूम शख्स है बड़ा ही बदनसीब शख्स है बहुत ही गुनागार लापरवाह आदमी बहुत ही निकम्मा आदमी है कि सात सात सौ एक नेकी के बदले में सवाब नेकियां मिलती रही फिर भी इसकी नेकियां कम पड़ गई और गुना ज्यादा हो गई इसका मतलब इसने नेकी एक की तो सवाब कितना मिला सात सौ का तो ये गुना सात सौ सा मरतबा करेगा तो उसके बराबर आएगा ना तो इससे पता चला इसने नेकी एक मरतबा की और इसने गुना सात सौ सा मरतबा किया तो अंदाजा लगाइए ये, ये कितना सरकश आदमी कितना बागी है कितना नाफरमान है हट धर्म है। ना कोई अल्लाह से हया करता है ना रसूल का इसको को कदर है ना कुरान हदीस को समझता है ना ये कबर से डरता है ना हशर से डरता है ना जहन्नम से डरता है ना अल्लाह रबीन रबालाम से डरता है कोई भी चीज इसको नहीं रोक पाती गुनाहों से ना मोहब्बत रोक पाती है ना जहन्नम का खौफ इसको रोक पाता है तो ये बड़ा ही कोई जिद्दी आदमी है बड़ा ही हट थ... धर आदमी धर्म आदमी है ये बड़ा ही नलाय किस्म का आदमी है बड़ा ही नाकदरा इंसान है ये तो ऐसे नाकदरे इंसान फिर तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें ऐसा नाकदरा इंसान ना बनाए अल्लाह ताला हमें अपने मुखलिस नेक बंदों में अपने से मोहब्बत करने वाले बंदों में अल्लाह सालहीन में अल्लाह हमें शामिल फरमा तो फिर फरमाया कि अब रोजे के सवाब की जब मारिय बाकी देखिये रोजे की खसूसियत है रोजा खास इबादत बाकी इंसान कोई भी काम करता है नमाज ही पढ़े और भी कोई काम करे तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया हुआ कि इसका कितना सवाब इसका कितना सवाब लेकिन रोजे के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया फ ली भाई रोजा छोड़ दो रोजे का सवाब तुम ना लिखो बस ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है लिहाजा मैं ही अपने बंदे को जदा दू मैं ही उसका अजर दूंगा कितना देना ये मैं खुद तय करूं तो फिर फरमाया रोजादार अपनी सारी ख्वाहिशात और खाना पीना सिर्फ मेरी वजह से छोड़ता है अल्लाह पाक ही फरमा रहे हैं ये बंदा मेरी वजह से अपनी ख्वाहिशात छोड़ रहा है खाना पीना छोड़ रहा है बीवी छोड़ रहा है घर में खाना मौजूद पीना मौजूद खा सकता है पी सकता है लेकिन ये कहता है नहीं मेरा अल्लाह मेरे अल्लाह अल्ला ने मुझे मना किया मैं अल्लाह की वजह से रुका हूं मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है इसके अंदर एहसान की कैफियत पैदा हो जाती है तो अल्लाह पाक बड़ा ही कदरदान है अल्लाह से बड़ा कदरदान कौन हो सकता है तो जो अल्लाह के लिए छोड़ता है तो फरमाया मैं उसको जिदा दूंगा फिर फरमाया रोजेदार को दो खुशियां हासिल होती हैं खुशी इफ्तार के वक्त यानी कि इंसान का नफ सब खाने पीने खाना चाहता है पीना चाहता है भूख लगी है प्यास लगी है तो वो जो नीमते दस्तर खान पर चुन दी जाती है तो इंसान उनको देख कर खुश होता है एक तो खुशी है और दूसरी खुशी कौन सी है कि जब इंसान अपने रब से मुलाकात करेगा इसमें इस बात की बशारत मौजूद है इशारा मौजूद है कि इंसान अपने रब से मुलाकात करेगा तो जब इंसान अपने रब से मुलाकात करेगा अपने रब से मिलेगा अपने रब को अपने अल्लाह अपने बंदे को तो बंदा अपने, अपने रब को देखेगा जैसा कि क्यामत के दिन अल्लाह इनस... ताला अपने बंदों को अपना दीदार भी करवाएगा जब अल्लाह से इसकी मुलाकात होगी तो फिर ये खुश हो जाए अब जहरी बात है बताइए मुलाकात में एक इंसान को अगर अल्लाह कहे चलो तुम्हें ये दिया ये दिया ये दिया ये दिया लेकिन कहे कि जहन्नम में जाना पड़ेगा तो बंदा खुश होगा नहीं क्यामत के दिन की सबसे बड़ी खुशी ये है कि इंसान को जहन्नम से बचा लिया जाए तो जो जहन्नम से बचा लिया गया जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो कामयाब है नारोखिलर जन्नत फकत फाज उस दिन तो कामयाबी का कामयाबी है ही एक बंदा जन्नत में चला जाए तो जब ये बंदा अपने रब से मिलेगा मुलाकात करेगा फिर इसको खुशी होगी तो अल्लाह पाके यही फरमाएंगे ना जाओ भाई मैंने तुम्हें माफ कर दिया जाओ जन्नत में चले जाओ जाओ जन्नत में तेरा महल है जन्नत में वो तेरी दूधो शाहद की नहरें हैं वो बागात है वो सब कुछ तेरा मैं तो उससे राजी मैं तो उससे खुश मैंने तुम्हें जहनम से बचा लिया मैंने तुझे बख्श दिया इंसान यही बातें सुनेगा तो खुश होगा तो यकीन इन अल्लाह तला यही फरमाएंगे जाओ भी तो बंदा खुश हो जाएगा तो दो खुशियां नसीब होंगी लेकिन अब ये खुशियां किन को नसीब होंगी जो रोजा रोजा समझ के रखें रोजे के तकों को पूरा करेंगे ऐसा नहीं कानूनी रोजा तो रखें लेकिन हकीकी रोजा ना रखें ये रोजा रखे इसको रोजा रखने से सिर्फ भूख मिले प्यास मिले रातों का जागना मिले और उसको नेकी ना मिले अल्लाह की रिजार खुशनुदी ना मिले अल्लाह तला से राजी ना हो तो फिर इसको कहां से खुशी मिलेगी ऐसे आदमी को के लिए तो नबी वसल्लम की हदीस है जब वो बड़ा ही बदनसीब आदमी है और बाज लोगों ने तो लानत का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि अल्लाह ताला के रम से दूर हुआ उस पर लानत हो जिसकी जिंदगी में रमज़ान आए और वो रमजान में इबादत करके अल्लाह ख़ुश करके जन्नत में ना जाए ऐसा ऐसे शख्स पर अल्लाह की लानत हो तो इसका मतलब कुछ लोगों पर तो लानत होगी कुछ लोग तो ऐसे होंगे कि जो रमज़ान में जिंदगी गुजारेंगे उनकी जिंदगी में रमजान आ गया लेकिन वो अल्लाह खुश नहीं कर पाएंगे अब अल्लाह ताला खुश क्यों नहीं होगा कि वो तो अपने आप को तो बदलेंगे नहीं तोबा ही नहीं करेंगे गुनाहों को छोड़ेंगे नहीं शैतान से यारी नहीं छोड़ेंगे अल्लाह की जमात में नहीं आएंगे अल्लाह की तरफ नहीं आएंगे वो हिजरत नहीं करेंगे वो अपने आप को बदलेंगे नहीं अपनी सोच फिक्र को नहीं बदलेंगे अपने आप पर कंट्रोल और जब्त हासिल नहीं कर सकेंगे हाँ तो ऐसा शख्स मरूम रहेगा फिर उसके बाद सबसे अहम बात इस हदीस में क्या फरमाया रोजादार के, के, के मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी से भी ज्यादा प्यारी लगती है ज्यादा महबूब है पसंदीदा अभी जो रोजेदार के मुंह से बू आती है अक्सर और वेशतर शारहन हदीस ने लिखा है कि ये जो दिन का आखिरी पहर होता है यानी असर के बाद मैदा खाली हो जाता है तो मैदे से एक हमक आती है बू आती है जिसको आम इंसान तो शायद पसंद ना करे लेकिन वो अल्लाह के हाँ इतनी महबूब पसंदीदा है के कस्तूरी से भी ज्यादा तो देखिए पेट खाली है खाना पीना उसने छोड़ा हुआ है और उसके मेदे से वो हमक और वो बू आ रही है लेकिन अल्लाह के नजदीक अल्ला वो खुशबू है चूंकि इंसान ने ये खाना पीना अल्लाह की वजह से छोड़ा अल्लाह की वजह से भूखा प्यास है अल्लाह की वजह से उसका मेदा खाली है मेदे के अंदर तो तलब मौजूद है शिद्दत के साथ तलब मौजूद है खाने की पीने की तलब मौजूद है लेकिन वो उस तलब को पूरा नहीं कर रहा है उसकी वजह से उसका मैदा खाली है लिहाजा अब अल्लाह की अल्लाह के लिए है ना तो लिहाजा अब अल्लाह के लिए है तो अल्लाह ताला अल्ला को ये बंदा इतना प्यारा है इतना अच्छा लगता है इसके मुंह से आने वाली ये हमक भी इतनी प्यारी लगती है कि फरमाया कि ये कस्तूरी से ज्यादा अल्लाह ताला अल्ला के नजदीक पसंदीदा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रोजा गुनाहों से बचने के लिए ढाल है अब इस हदीस का ये जो है हिस्सा है ये इंतहाई अहम फरमाया जब किसी का रोजा हो तो फाहश गोई फाश गोई से मतलब क्या है वो मर्द है या औरतें हैं तो वो आपस में वो बातें ना करें मतलब जिनके अंदर अः मर्द औरत के मिलाप की बातें हो इसको मोहब्बत की बातें हो वो जो है ना आ, जो खास पर्दे की बातें होती हैं वो ना करें तो शहवानी गुफ्तु ना हो इससे इंसान के जज्बात को अंगेख मिले जज्बात भड़के मर्द है तो औरत की तरफ ऐलान हो औरत है तो मर्द की तरफ ऐलान हो तो ऐसी गुफ्तुए नहीं होनी चाहिए और फिर वो बेहुदा बातें ना करे बाज रिवायत में आता है वो शोर मत करे और बाज रिवायत में आता है कि वो अक्खड़पन और जहालत का मुजाहरा ना करे तो ये बातें ना करे तो लिहाजा अगर कोई उसे बुरा भला कहे या लड़ने कोशिश करे तो रोजेदार का मिजाज क्या हो रोजेदार आगे से ये ना कहे कि भाई ईट का जो आप पत्थर से दूंगा तूने एक गाली दिए तो मैं तो मैं दो चार दस बीस गालियां सुनाऊंगा तो मैं क्या तुमसे कम हूं क्या हमारे मुंह में क्या जुबान नहीं तो नहीं ऐसा नहीं बल्कि वो अगर को उसको गाली दे रहा है बुरा भला कह रहा है तो वो आगे से क्या कहता है सिर्फ इतना कहता है कि मैं रोजेदार वो मिर्जा गालिब का एक शेर आ गया याद आ गया वो कहता है ना है कुछ ऐसी ही बात के चुप हूं है कुछ ऐसी ही बात के चुप हूं वरना क्या बात कर नहीं आती कोई उम्मीद बर नहीं आती कोई सूरत नजर नहीं आती पहले आती थी हाल दिल पे हंसी अब किसी बात पे नहीं आती तो मिर्जा गालिब क्या कह रहा है है कुछ ऐसी ही बात के चुप हूं यानी कोई बात है जिसकी वजह से मैं चुप हूं वरना बोल तो सकता हूँ जवाब तो मैं भी दे सकता हूं तो यहाँ पर भी बंदा कहेगा हाँ भाई तुम बोल सकते हो तुम कह सकते हो तुम जुबान चला लो तुम मुझे गालियां बक लो तुम लड़ने कोशिश कर लो लेकिन भाई मैं रोजेदार हूँ रोजेदार आदमी का रवैया ये नहीं होता रोजेदार जब गाली का जवाब गाली से नहीं देता तो लिहाजा मैं रोजेदार हूं बस इतना कह रहा हूँ इसका मतलब रोजा उसे रोक रहा है ना तो सोम या श्याम का लफ्जी माना क्या था रुकना अब इसके जज्बात तो कहेंगे कि नहीं इसको जवाब दो इसका मुंह तोड़ो इसको गाली बको ये करो वो करो और दूसरी तरफ क्या रोजा तो रोजे का मतलब रुकना तो रोजा कहेगा रुक जवाब नहीं देना गाली नहीं देनी कुछ नहीं करना खामोश रहना ऊंची आवाज में नहीं बोलना शोर नहीं करना बेहूदगी का मुजाहरा नहीं करना ये तो रोजा है कहते हैं ना इश्क नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है तो यहां पर लफ्ज इश्क की जगह रोजा लगाइए कि रोजा नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है रोजा कहना बहुत आसान है निभाना बड़ा मुश्किल है एक आग का दरिया है और उसमें डूब के जाना है लोगों की बातें हैं ताने हैं मैने हैं गालियां हैं लड़ाइयां हैं झगड़े हैं नफरतें हैं हस्त भुगज है इनाद है ये सब कुछ की वादियां हैं ये नहरें हैं ये और इसमें बीच में से गुजर के जाना है और अपने आप को बचाना है किसी को गाली के जवाब में गाली नहीं देनी है बुराई के बदला में बुराई नहीं करनी है तो ये रोजा है कोई आसान तो नहीं है ना अजर भी तो कितना बड़ा है अल्लाह ने फरमाया मेरी वजह से इसने छोड़ा है तो भाई जो अल्लाह का हो जाता है फिर उसको तो दुनिया में बहुत कुछ सहना पड़ता है अगर समझना आए तो अम्बिया आलिम की मिसालें देख लीजिए अंबिया सबसे अल्लाह के चुनीदा पसंदीदा बंदे होते हैं और सबसे ज्यादा नेक होते हैं लेकिन इसके बावजूद उनको सबसे ज्यादा तकलीफें आती हैं लेकिन अंबिया आल्ला गाली के जवाब में गाली नहीं देते बल्कि वो तो गालियां खा के पत्थर खा के वो लोगों को दुआएं देते हैं जैसा कि शेर है ना कि गालियां खा के दुआ कौन देता है गालियां खा के दुआ देने का हौसला किस में है ये रिवायत भी मोहम्मद के घराने तक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गालियां खा के दुआएं कोई नहीं देता लेकिन ये रिवायत भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने तक है आपने गालियां खाई पत्थर खाए लेकिन फिर भी दुआएं दी ताइफ का वाक्य इसकी सबसे बड़ी दलील है तो बहरहाल रोजा आदमी को यही कुछ सिखाता है तो अजह भी तो देखिए ना कितना बड़ा अल्लाह के लिए अगर कोई खामोश रह जाता है गाली नहीं देता है तो क्या अल्लाह उसको नवाज नहीं रहा और वैसे भी वो हदीस में रखें कि जब कोई गाली देता है बंदा उसके जवाब में गाली नहीं देता है तो आप समझिए ऐसा नहीं है कि उसको जवाब नहीं दिया जा रहा आप खामोश हैं लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब दे रहा है अल्लाह ताला जवाब देने के लिए किसी को मुकर करता है और वो कौन होता है वो फरिश्ता होता है जैसा कि वो हदीस में आता है वाक्य हजरत उबर सिद्दीक सिद्धिक रहती है अल्लाह तु और नबी साथ साथ जा रहे थे रस्ते में एक शख्स आया और हज़तबू के सिद्दीक रजी अल्लाह तलझ पड़ा और वो गालियां दे रहा है हजरत और सिद्दीक रजी अल्लाह तन खामोश है तो नबी वम खड़े हुए लेकिन फिर क्या हुआ हजरत हज़तबीक रजी अल्लाह तुमको गुस्सा आया और हजरत और रजी अल्लाह तु सिर्फ वही लफ्स बोले जो उस बंदे ने बोले थे ना वही लफ्ज जवाब में बोल दिए तो जैसे ही जवाब में वो लफ्स बोले रसूल वहां से रवाना हो गए चलेगा से रवाना हो गए जाहिर हस्तोब के सिद्दीक रजी अल्लाह की चल पड़े लेकिन आगे जाकर ना हस्तूब के सिद्दीक रजी शिकवा किया कि रसूल ये क्या बात है जब वो बंदा मुझे गाली दे रहा था तो आप वहां खड़े थे लेकिन जैसे ही मैंने उसके जवाब में सिर्फ वही लफ्ज कहे जो कि वो कह रहा था तो आप वहां से चल दिए तो ये क्या बात है मतलब ये था कि आप खड़े रहते हैं ना वहां पर मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लम ने क्या फरमाया फरमा बकर वो गालियाँ दे रहा था और तू खामोश था तो तेरी तरफ से अल्लाह का एक फरिश्ता जवाब दे रहा लेकिन जब तूने खुद जवाब देना शुरू किया तो वो फरिश्ता चला गया अल्लाह की रहमत चली गई और जहां से अल्लाह की रहमत चली जाए मैं वहां नहीं रह सकता क्या पता चला कि जब अब सिद्दीक रजिया थे तो जवाब दिया जा रहा था, था नहीं जवाब दिया जा रहा तो जब आज भी मामला यही मैं हूं आप कोई भी शख्स अगर कोई शख्स उसको गाली देता है बुरा बला कहता है ज्यादी कर रहा है जुल्म कर रहा है और आप खामोश से जवाब नहीं दे रहे और सिर्फ अल्लाह के लिए जवाब नहीं दे रहे और रोजा रखकर खास तौर तो पर जवाब नहीं दे रहे हालांकि जवाब आप दे सकते हैं जुबान मौजूद है है कुछ ऐसी ही बात कि चुप हो वगरना क्या बात कर नहीं आती बात करनी आती है जवाब दे सकते हैं हमारे मुंह में भी जुबान है लेकिन अल्लाह के लिए चुप है तो याद रखिए आपकी तरफ से अल्लाह मुकर करेगा आपकी तरफ से अल्लाह इंतकाम लेगा आपकी तरफ से फरिश्ता जवाब देगा तो हमें क्या पड़ी कि हम खुद अपना अजर ज़ाय करें हमारी तरफ जवाब मिल तो रहा है और फिर अल्लाह ताला की तजाव मिल रही है अल्लाह की खुशनूदी मिल रही है कि भाई अगर रोजा रख कर तुमसे कोई लड़ाई कोशिश लड़ाई की कोशिश करे तुमसे को काल करे तुम्हें को बुरा भला कहे तो आगे सिर्फ इतना कह दो भाई मैं रोजेदार तो रोजेदार का रवैया यही होता है रोजेदार ऐसे ही होता है रोजेदार बर्दाश्त करता है रोजेदार सब्र करता है रोजेदार रुकने वाला होता है रोजेदार गाली के जवाब में गाली नहीं देता तो जब बंदा ये अदाएं अपनाएगा तो जाहिर बात यही तो वो तब्दीली है जो रोजा इंसान के अंदर पैदा करता है और यही तब्दीलियां तो तकवे की अलामत और निशानी है

जन्नत के आठ दरवाजे हैं उनमें से एक का नाम रैयान है उससे सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे यानी रोज़ादारों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत में खास तौर पर एक दरवाजा मुतिन किया है और रैयान का मतलब होता है सैराब होना रैयान लफ्ज का माना क्या होता है सैराब होना तो अब लिखा शारहन ने कि जब रोजादार इस दरवाजे से दाखिल होंगे तो उन्हें खास तौर पर मशरूब पेश किया जाएगा उन्हें सैराब किया जाएगा उन्हें पिलाया जाएगा और ऐसा मशरूब पिलाया जाएगा जिसको पीने के बाद उन्हें प्यास नहीं लगेगी तो इसका मतलब ये बाबुर्रियान है जिसमें से रोजेदार दाखिल होंगे और रोजेदारों को पिलाया जाएगा तो चूंकि दुनिया में रोजेदार अल्लाह के लिए खाना पीना छोड़ते हैं ना तो अल्लाह तक कहां, कहां और क्या क्या खिलाएगा और पिलाएगा तो दोबारा ये रोजे की सारी की सारी फजीलतें हैं तो अल्लाह ताला हमें रोजे की फजीलत के काबिल बनाए तो का हमें वो फजीलतें हासिल हो जाए और हम रोजा इस तरह से रख पाए कि रोजे के सारे तकाजे पूरे हो जाए आगे है रोजे की अहमियत रोजा इंतहाई आम है तो तो एक फर्ज रोजा बिला उजर तरक्क करने का कुफारा सारी उम्र के रोजे भी नहीं बन सकते यानी रोजा इतना आम है एक बंदे ने जान बुझ कर बगैर किसी उजर के यानी बगैर किसी बीमारी के बगैर सफर के उसने रोजा छोड़ दिया जान बूझ कर छोड़ दिया घर में है कोई मसला कुछ भी नहीं है, लेकिन दिल नहीं चाह मैं नहीं रख सकता गर्मी ज्यादा भूख लगेगी बर्दाश्त नहीं होता तो उसने रोजा छोड़ दिया एक रोजा छोड़ दिया अब वो आदमी बाद में पछताता है शर्मिंदगी होती है फिर उसकी वो कजा देने की कोशिश करता है तो सारी जिंदगी भी अगर रोजे रखे ना तो तब भी उस रोजे की कमी पूरी नहीं हो सकती जो उसने जान बुझ कर रोजा छोड़ा तो इसलिए एक एक रोजा इतना इतना अहम हैुर रमजान मिनरिन वराजिन लम यकम दहरी व इंसानो रबाहबुखारी जिसने बिला उजर या बिला

हजरत अनस्सविन मालिक रजी रिवायत है कि रमज़ान आया तो रसूल फरमाया ये महीना जो तुम पर आया है इसमें एक रात ऐसी है जो कदर व मंजिलत के एतबार से हज़ार महीनों से बेहतर है जो शख्स इसकी सादत हासिल करने से महरूम रहा वो हर भलाई से मरूम रहा नीस फरमाया लदर की शादत से सिर्फ बेनसीब ही महरूम रह सकता है एक और हदीस में रसूल शाह फरमाया जो शख्स रमजान पाए और फिर इसके बावजूद वो मफफरत हासिल ना कर सके तो इसके लिए हलाकती वन काबिबिन उजरत रदी अल्लास काबिन उजरा फरमाते रसूल ने सिब कराम को मिंबर लाने को हुक्म दिया सिहब कराम रदी अल्लाह जमा मंबर ले आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली सीढ़ी पर चढ़े तो फरमाया आमीन दूसरी पर चढ़े तो फरमाया आमीन तीसरी पर चढ़े तो फरमाया आमीन जब रसूल सल्लम्बर से नीचे तशरीफ लाए तो सहाबा सयाबराम ने अर्ज किया क्या कि रसूल आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो उससे पहले नहीं सुनी आपने फरमाया कि जनाब जबरील मेरे पास आए और कहा उस आदमी के लिए हलाकत है जिस आदमी ने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश और माफी हासिल ना कर सकी उसके जवाब में मैंने कहा आमीन फिर जब वो जब मैं दूसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जनाब जिबरा ने फरमाया कहा हलाकत है उस आदमी के लिए इसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए और वो आप पर दरूद ना भेजे मैंने इसके जवाब में कहा आमीन फिर जब मैं तीसरी सीढ़ी पर चढ़ा तो जबरासलाम ने कहा जिस शख्स ने अपने माँ बाप या दोनों में से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना की उसके लिए भी हलाकत हो मैंने जवाब में कहा आमीन और आमीन का मतलब होता है अल्लाह कबूल फरमा यानी उस इन तीनों के हक में हलाकत हो मैंने कहा अल्लाह कबूल फरमा वाकई इन पर हलाकत होनी चाहिए तो इसका मतलब रमजान इतना अहम है कि अगर इसके अंदर कोई शख्स अपने आप को जहन्नम से आजाद ना करवाए तो इसका मतलब उसके लिए फिर हलाकत है। हजरत अबू उमामा रजी अल्लाह कहते हैं कि मैंने रसूल खरमाते सुना मैं सोया हुआ था और मेरे पास दो आदमियां उन्होंने मुझे से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ पर लाए और दोनों ने कहा इस पर चढ़े मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता उन्होंने कहा हम आपके लिए सहूलत पैदा कर देंगे यानी हम आपकी मदद करेंगे बस मैं चढ़ गया हती कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया जहां मैंने शदीद चीखो पुकार की आवाजें सुनी मैंने पूछा ये आवाजें कैसी हैं, उन्होंने बताया ये जहन्नमियों की चीखो पुकार है फिर वो मेरे साथ आगे बढ़े जहां मैंने कुछ लोग उल्टे लटके हुए देखे जिनके मुंह को चीर दिया गया है यानी कि वो उल्टे लटके हुए तो उनके मुंहों को यहां से चीर दिया गया है और जिससे खून बह रहा है मैंने पूछा ये कौन लोग हैं तो उन फरिश्तों ने कहा उन्होंने जवाब दिया ये वो लोग हैं जो रोजा वक्त से पहले इफ्तार कर लिया करते थे यानी कि ये वो लोग हैं जो रोजा छोड़ दिया करते थे जो रोजा नहीं रखते थे तो अब रसूल सल्लाम ने ये रोजा ना रखने वालों का इंजाम बताया भाई जो रोजा नहीं रखेंगे जहन्नम में उनका ये इंजाम नबी सल्लाम ने खुद देखा ज़ाहिर बात है रसूल को अल्लाह ने मेराज करवाया तो मेराज जब करवाया तो उसमें अल्लाह ने जन्नत भी दिखाई और जहन्नम भी दिखाई और जहन्नम में मुख्तलिफ लोगों को जो मुख्तलिफ सदाएं दी जा रही थी तो वो भी दिखाई तो फिर आप सल्ला पूछा था बाज लोगों के बारे में इसको सलाह क्यों दी जा रही है इसको सलाह क्यों दी जा रही है ये कौन है ये कौन है ये कौन है तो फिर आप सल्लाम को बताया गया तो ऐसे ही सदीस में आता है फरिश्ते लेकर गए नबी सल्लाम को और फिर आपने ये मंजर देखा तो पूछा कौन लोग हैं

शख्स भी मुजरिम है और इसका ये मुंह बड़ा मुजरिम है जिससे उसने रमजान में खाया हालांकि नहीं खाना चाहिए था ना लेकिन उसने खाया तो ये मुजरिम है इस मुंह से खाया तो लिहाजा उस मुंह को चीरा जा रहा है उससे ही खून बह रहा है फिर उनको उल्टा लटकाया हुआ है तो वो लोग जो सेहतमंद है तंदुरुस्त है कोई मसला नहीं इसके बावजूद रोजे नहीं रखते तो ऐसे तमाम लोगों को ये बात जहन में रखनी चाहिए या उन तक वो लोग पहुंचाए जो बात सुन रहे हैं उनको बताएं कि भाई रोजा न रखने वालों का इंजाम ये तो वक्त तमाम हुआ तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस रमजान को हमारे लिए बायस बरकत बनाओ बायस खैर बने या अल्लाह इस रमजान में हमें वैसे रोजे रखने की तोहफी कथा फरमा दे के रोजा हमारे हक में हमारा सिफारशी बन जाए हमारे मुंहों से कस्तूरी की खुशबू अल्लाह को पसंदीदा हो जाए ए अल्लाह हमें उन खुश नसीब लोगों में शामिल फरमा ले हमें वो तोफी दे दे हमें वैसे रोजे रखने की तोफ़ीक दे दे कि हमारा रोज़ा हमारे हक़ में सिफारशी बन जाए हमारे मुंह से आने वाली बू या अल्लाह तुझे कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा हो जाए या अल्लाह हम बाबरान से जन्नत में दाखिल हो जाए या अल्लाह हम अपना अपनी असलाह कर सकें या अल्लाह अपने नफ्स पर जब्त और कंट्रोल कर सकें या अल्लाह हम अपनी ख्वाहिशात को या अल्लाह कंट्रोल कर सके या अल्लाह हम तेरे हुक्मों के मुताबिक जहां जहां तू हमें हुक्म दे वहां वहां हमें रुकना आ जाए जिन जिन कामों को छोड़ना चाहिए या अल्लाह हम उन कामों को छोड़ने वाले बन जाए या इस रमजान को हमारे लिए बरकत का बायस बना दे खैर का बायस बना दे जहन्नम से आज़ादी का बायस बना दे या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे अल्लाह तू हमसे राजी और खुश हो जा या अल्लाह हमें सारे कामों की तौफीक अता फरमा दे अल्लाहुम्मा इन نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم اشفني واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي فلسطين وفي غزة وفي كل مكان اللهم انصر الجهاد والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار जी जो आज सबक हुआ है इस बारा में अगर किसी का कोई सवाल है इश्काल है कोई बात समझ ना आई हो या इसके अलावा रमज़ान के हवाले से कोई भी सवाल पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं जी जी बहुत सारी बहनें माए बेटियां वो दुआएं दे रही होती हैं जी बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला वो दुआएं मेरे हक में भी कबूल फरमाए और आप सब के हक में भी उनको कबूल फरमाए जी बहन मौजूद हैं वो जो अक्सर सवाल पढ़ दिया करती हैं तो हैं तो वो तो पढ़ दीजिए या फिर आप लोग बारी बारी कोई सवाल पूछ सकते हैं जी सबका बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला सब को जदाई खैर अता फ़रमाए आप वक्त निकालते हैं आते हैं क्लास लेते हैं अल्लाह आपके इस जज्बे को सलामत रखे अल्लाह ताला इस वक्त के बदले में अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए अल्लाह बरकत अता फरमाए अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए जी सवाल अच्छा ऐसा है कि अगर यहाँ सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन बहुत जरूरी सवालते पूछना चाहते हैं तो वो हमारा नंबर आप लोगों को बताया था तो उस पर आप सवाल भेज दें तो मैं इनशाला गहे गाहे आप लोगों को जवाब दे दूंगा तो सवा आव, आव, जो हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर तो पाकिस्तान का है तो कोड फोर्ड लगा दीजिएगा जीरो थ्री टू वन फोर नाइन टू जीरो जीरो थ्री टू वन फोर नाइन डबल फोर डबल टू जीरो तो पाकिस्तान का कोड हाँ जी लगा लीजिएगा वो डबल जीरो नाइन टू मेरे ख्याल है पाकिस्तान का कोड है तो वो लगा लीजिएगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो इनशाला मैं आप लोगों के सवालत के जवाब दे दूंगा रमजान से मुतलिक होंगे कोई भी सवाल इनशा कुरान सुन्नत की रोशनी में जवाब दिए जाएंगे sister ask question <coughs> assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah uh, sheikh uh, i just wanted to ask que... आ, हाँ। तरावी में जो औरतें नमाज पढ़ती हैं कुरान देख के हम पढ़ सकते हैं ना मतलब पास में एक टेबल लगा के कुरान देख के जो है खयामुल लैल कर सकते हैं ना हाँ जी इस बारे में जो हमें मालूम है वो ये है तरावी में तरावी में जो शख्स तरावी पढ़ा रहा है और कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो कुरान का हाफिज हो वहां तरावी पढ़ा सके तो वो बंदा देख कर तरावी पढ़ा सकता मुसफ उठा कर पाक देख कर तरावी पढ़ा सकता है ये तो हुआ उस सूरत में कि जब कोई शख्स तरावी पढ़ाने वाला वहां नहीं है तो वो शख्स तरावी ऊपर से देख कर पढ़ा दे लेकिन जो मुखदी हजरा उनके लिए यही है कि वो मुसहफ उठाए बगैर वो तरावी पढ़ें मुसहफ ना उठाए कुरान पाक को हाथ में ना उठाए क्योंकि ऐसा करना यह सहाबा कराम से साबित नहीं है बाकी अब हम जो हमारे जहनों में ये बात जो है कुरने पाक अगर उठा लेंगे तो ऊपर से देख लेंगे फिर ज्यादा तोज्जो हासिल होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा अच्छा अब ये बात हमारे जहनों में भी आ रही है लेकिन सहाबा कराम सारे के सारे पाक के हाफिज नहीं थे लेकिन उनमें से किसी से भी ये नहीं आता कि उन्होंने पीछे मुसफ को उठाया हो और ऐसे उन्होंने क्या किया हो अच्छा अब तीसरी बात इसमें है कि अगर कोई शख्स कहीं अकेला है और उसने तराबी पढ़नी है और उसको कुरान इतना याद नहीं है तो वो अगर पढ़ना चाहता है हाँ, वो खुद अकेला जब पढ़ेगा तो फिर देख लेगा चूंकि अब तो उसने पढ़ना है तो वो अकेला आदमी मुसफ उठाकर अगर तरावी पढ़ ले कुरान पढ़ ले तो ठीक अब तीन बातें मैंने आपको बताई अगर कहीं इमाम ना हो तो मुसफ देख करके हाफिज ना हो तो कोई बंदा मुसफ देख करके तरावी पढ़ा सकता है हजरत आशर अली तो गुलाम थे वो ऐसा किया करते दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स तन रात को क्याल करना चाहता है तो कुरान उसको इतना याद नहीं है तो कुरान पाक उठाकर देखता है पढ़ता है तो पढ़ ले ये भी ठीक है और तीसरा क्या है कि आगे की इमाम मौजूद है वो कुरान पढ़ रहा है तो अब हम पीछे खड़े हुए हैं तो पीछे खड़े हुए लोग वो क्या कुरान पाक हाथ में पकड़ कर खड़े हो जाए और कुरान सुन ले हाँ ये ठीक नहीं है ये क्यों ठीक नहीं है इसलिए ठीक नहीं है कि ये सहाबा कराम रजी अल्लाजमाइन से साबित नहीं है। और फिर कुरान सुनने का जिक्र आता है ना वैजा कुरान फस्तू व अनशितम जब कुरने पाक पढ़ा जाए तो ध्यान से सुनो उसको तो अब सुनने का जिक्र है लेकिन जब हम मुसब देख रहे होते हैं तो उस वक़्त हम सुन रहे होते हैं और साथ साथ देख रहे होते हैं और जहन में उसको साथ साथ पढ़ भी रहे होते जहन में साथ साथ वो चल रहा होता है तो इसका मतलब तो सिर्फ सुनने का हुक्म है ना ध्यान के साथ लेकिन यहाँ तो ऊपर से देखा जा रहा है तो बहरहाल इन दलाइल की बुनियाद पर हमें तो यही बात समझ आती है कि मुसफ नहीं उठाना चाहिए बाकी अब ये कहना कि इसमें हर क्या है ज्यादा तवज्जो हासिल हो जाएगी देखिए अकल नहीं चलाएंगे ना हम अकल नहीं चल ऐसे बाद लोग नमाज पढ़ते हैं ना वो आंखों को बंद कर लेते हैं और आंखों को बंद करके खड़े होते हैं और वो ये तसवर कर रहे होते हैं नमाज में ज्यादा यकसुई और तवज्जो रहेगी तो आंखें बंद कर लेते हैं वो नमाज में और आंखें बंद करके नमाज पढ़ रहे होते हैं तो लिहाजा आंखें बंद करके नमाज नहीं पढ़नी आंखें खुली रखनी है चूंकि नबी सल्ला आंखें खुली रखते थे अब देखें यहां पर भी आंखें बंद करने वाले बंदे का नजरिया क्या है तोज्जो यकसोई ध्यान वो ज्यादा वो बंदे को सुकून आता है रूहानियत मिलती है वगैरह वगैरह तो आंखें बंद कर ले लेकिन नहीं आंखें खुली रखती हूं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखें खुली रखा करते थे जी कोई और सवाल अस्सलाम वालेकुम व शेख मेरा सवाल है कि मेरा बच्चा सत्रह साल का कुछ है उसने गफلت में प्यास की वजह से उसने रोजा खोल दिया तो अब इसका क्या کفारा होगा लास्ट रमजान में तो क्या अल्लाह उसको माफ करेगा बहन आपका सवाल ना पूरा समझ नहीं आवाज कट कट के आ रही थी दोबारा दोहरा दीजिए सवाल देखिए दरअसल सम... सत्रह साल का इतना समझ आया जी हाँ उसने प्यास की शिद्दत की वजह से अपना रोजा खोल लिया रमजान में पिछले रमजान में तो उसका क्या गुनाह है अल्लाह ताला माफ करेगा लाइन नहीं की आप सवाल ना भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे आवाज कट रही पता नहीं मेरे नेट का मसला है आपका मसला है तो बार आवाज कट रही है जी कोई सर ये पूछ रही है कि मेरे बेटे ने रोजा तोड़ दिया था लास्ट रमजान में तो उसका कफारा क्या अदा करना होगा नहीं <laughs> अल्लाहम शेख साहब आपसे पूछना था कि रोजे का हदिया क्या है उनका नेट है सही है उनका नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम कर रहा है जी आ रही है। सलामकुम शेख साहब पूछना था आपसे के रोजे का जो फिदिया है वो कितना होता है रोजे का फिदिया होता है जो भी बंदा खाना खाता है ना अपने घर में जिसने फिदिया देना है वो लोग जैसा खाना खाते हैं तो बस वैसा ही खाना खिला दे ये फदिया है अब जो मुख्तलिफ लोग है ना वो खाना मुख्तलिफ लोगों के यहाँ खाना एक जैसा नहीं पकता मसलन एक आदमी उसके घर में हर रोज चावल पकते हैं गोश्त पकता है तो बात है उसका खाना थोड़ा महंगा है एक आदमी है उसके घर में दाल सब्जी पकती है तो सस्ता है तो अब हम ये फिक्स तो नहीं कर सकते कि ये बंदा इतना फिदिया दे तो उसके बारे में यही है जो वो बंदा खाना खाता है वैसे ही खाना किसी को खिला दे यही फिदिया है लेकिन अगर उसने पैसे देने, हाँ, अगर उसने पैसे दे एक वक्त की दो वक्त जी अगर उसने पैसे देने हैं तो क्या कितना दे आपकी आवाज नहीं आ रही अगर पैसे देने हो तो कितना दे